नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका ओके क्रेडिट में। और हम सब जानते हैं कि 2021 का आम बजट जो है वो कुछ ही दिनों में पेश हो जाएगा और ये बजट बहुत मायनों में इस साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2020 में क्या हाल रहा है, तमाम सेक्टर्स का क्या हाल रहा है। उतार चढ़ाव, लेकिन चढ़ाव बहुत कम देखा गया, ज़्यादातर सेक्टर्स जो हैं वो मंदी की मार ही झेलते नजर आए। ऐसे में 2021 में बजट कैसा होगा, क्या कुछ लोगों की इससे एक्सपेक्टेशंस हैं, आम जनता इस बजट से क्या चाहती है, ये तो हम आपको बताएंगे अपने आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल, जो कि फाउंडर हैं akashjindal.in के। उनसे बातचीत करेंगे और इस बजट के पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे कि ये आने वाला बजट क्या कुछ सौगात ला सकता है। तो आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओके क्रेडिट में। तो आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि ये जो बजट आने वाला है, 2020 में जो चीज़ें हमने देखी हैं कोरोना, तो कोरोना का असर 2021 में यानी कि बजट पर पड़ता हुआ दिखेगा? कोरोना का असर डेफिनेटली इस बार बजट में दिखाई देगा। ऑलरेडी इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ। देखिए, जीडीपी ग्रोथ पहले क्वार्टर की -23.9%, दूसरे की -7.5%। तो जाहिर सी बात है, कोरोना की वजह से इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ है और उसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि डेफिसिट यानी सरकारी घाटा बहुत ज्यादा होता है। अब डेफिसिट ज्यादा होने का मतलब यह है कि सरकार के पास ज्यादा लड्डू पेड़े या रेवड़ियां बांटने को नहीं होंगी, तो इसलिए इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखी है। मेरा आपसे दूसरा सवाल यही है कि 2020 में अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे सेक्टर्स थे जो ठप पड़ गए। ऐसे में अब वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो 2021 में हम उम्मीद करें कि ये जो इकोनॉमी का हाल है वो चढ़ेगा, इकोनॉमी जो है हमारी बूस्ट होगी। देखिए, वैक्सीन आने से फायदा और फर्क दोनों पड़ेगा। अब वैक्सीन हिंदुस्तान में भी आ गए हैं, वैक्सीन के आने से इकोनॉमी की फंक्शनिंग प्रॉपरली शुरू हो जाएगी। लोग बिना किसी डर के बिजनेस कर पाएंगे, एक्सपेंडिचर कर पाएंगे, मूवमेंट कर पाएंगे। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो पूरी तरह चरमरा गई थी, अब वैक्सीन आने के कारण वो इकोनॉमी जो है दोबारा से रिवाइव होना शुरू हो जाएगी। लोग कमाई करेंगे, खर्चा करेंगे, पार्टीज होंगी, शादियां होंगी, और पार्टीज और शादियां तो इकोनॉमी को बढ़ावा देती हैं, इकोनॉमी बढ़ती है उनसे टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। तो वैक्सीन आने से पूरे दुनिया की और हिंदुस्तान दोनों की अर्थव्यवस्था में तरक्की। आकाश जी, बहुत सारी चीज़ें ना कोरोना के चलते जो थी वो ऑनलाइन हो गई, वर्क फ्रॉम होम, स्कूल्स ऑनलाइन हो गए। ऐसे में शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि शिक्षा का जो एक्सपेरिमेंट था ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना, चाहे छोटे हों बड़े हों, टीचर्स के लिए भी पहली बार था, बच्चों के लिए भी पहली बार था। ऐसे में इस पैटर्न पर चलते हुए क्या आपको लगता है कि इस बजट में कुछ तैयारियां की गई होंगी शिक्षा को लेकर, ऑनलाइन स्टडीज को लेकर, ताकि ऑनलाइन स्टडीज को कुछ अपग्रेड किया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आई हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को इनिशियली ऑनलाइन स्टडीज के चलते? आपने सही कहा। देखिए, कोरोना के समय में एजुकेशन प्रभावित हुई है और उसका एक सब्स्टिट्यूट रहा है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही है, देश के अंदर उसको लेकर अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो मुझे लगता है कि बजट में हर साल एजुकेशन पे जो एलोकेशन होती है उसका एक बड़ा हिस्सा इस बार ऑनलाइन एजुकेशन पे खर्च हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन ने देश के अंदर कई फायदा पहुंचाया है, बहुत से बच्चों को उससे एडवांटेज मिली है। तो आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन पे इस बार बजट में एक अच्छा एलोकेशन होना चाहिए। जी, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, रोज़गार बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है, इंडिया में बात कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी की बात कर लें या फिर हम बात कर लें बजट की, तो रोज़गार बहुत लोगों के गए हैं कोरोना के चलते। ऐसे में रोज़गार मुहैया कराने के लिए सरकार की तरफ से कुछ और नई योजनाएं पेश की जाएंगी, अगर मैं बात करूँ इस लिहाज से विकास, कौशल विकास योजना के तहत क्या कुछ और भी सौगातें मिल सकती हैं? जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये उम्मीद है कि कई तरह के इंसेंटिव्स और सॉप्स उन इंडस्ट्रीज के लिए आएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे उन इंडस्ट्रीज के लिए या उस तरह का काम करने वाली कंपनियों के लिए। टैक्स कंसेशन या सॉप्स या इंसेंटिव्स इस बजट में आने की उम्मीद है।
अच्छा, सबसे अहम बात जो मिडिल क्लास की रहती है कि मिडिल क्लास के लिए बजट नहीं आता है, तो ऐसे में टैक्स पेयर्स के लिए कुछ रियायत होगी, मिडिल क्लास को कुछ और तोहफे दिए जाएंगे, क्या लगता है आपको इस बजट में? देखिए, मिडिल क्लास या टैक्स पेयर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से काफ़ी उनके लिए एक्सपेक्टेशंस है। बिकॉज हुआ क्या है, आम आदमी की इनकम कम हुई है, चाहे वो जॉब में था या बिजनेस में था, और इन्फ्लेशन यानी उसके खर्चे, महंगाई उसकी बढ़ी हुई है। पेट्रोल डीजल प्राइसेस हम देख रहे हैं किस तरीके से हाई है। तो ऐसे में मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद इनकम टैक्स के अंदर कुछ रिलीफ दिया जाए। मेरी उम्मीद है और सरकार से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आम आदमी की क्योंकि कमाई कम हुई है, खर्चे उसके बढ़ते गए हैं, तो इनकम टैक्स में उसे कुछ रिलीफ दिया जाए। ऐसी मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा और एक्सपेक्टेशन भी रखूंगा। रेल बजट की अगर मैं बात करूं तो रेल बजट में कहा जा रहा है कि अभी बहुत सारी चीज़ें आपको रेल बजट में नहीं देखने को मिलेंगी, तो रेल बजट में क्या उम्मीद लगाई जा सके? इस बार हमें ये भी ध्यान रखना होगा, रेल बजट आजकल जो है जनरल बजट का हिस्सा है, तो रेल बजट को देखते हुए भी कई नए ट्रैक्स और कई नई लाइन्स की व्यवस्था हो सकती है, कई नए ट्रेन्स की व्यवस्था हो सकती है। मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारे जो हिली टेरेन्स हैं उसके लिए नई ट्रेन्स एलोकेट की जा सकती हैं और नए ट्रैक्स बिछाने की भी एक्सपेक्टेशन मुझे लगती है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है, आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हमने आत्मनिर्भर भारत को बनते देखा 2020 के चलते, सरकार ने भी काफ़ी आर्थिक सहायता मुहैया कराई, तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, पूरी तरह से कैसे बनेगा, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आत्मनिर्भर भारत बनाने में सक्षम हैं? आत्मनिर्भर भारत एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का एक विजनरी कॉन्सेप्ट है। आत्मनिर्भर भारत का टारगेट रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी बूस्ट मिलने की संभावना रखती है। मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई तरह की अच्छी चीज़ें होंगी, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए तरह तरह की फैसिलिटीज और वेयर हाउस इनपुट करने की बात हो सकती है। तो आई थिंक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस रखा जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो चलिए आकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। हालांकि बजट अभी आएगा तो हम आपसे दोबारा बातचीत करेंगे एक बार, लेकिन जिस तरह से बजट की सबको वेट है, साथ तौर पे मिडिल क्लास की बात करूं तो सब चाहते हैं कि बजट थोड़ा सा इस बार कुछ सौगात लेकर आए, क्योंकि सब बहुतों ने बहुत कुछ देखा है पास्ट में 2020 में। तो ऐसे में बहुत बहुत धन्यवाद कि कुछ हद तक आपने चीज़ें समझाने की कोशिश की। आपसे फिर होगी मुलाकात। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।